याद आ रहा बड़ा प्यारा सुना तू जी, बड़ा मजा ले लेके सुनोगे तू। वो अल्लाह वाला अपना कुर्ता उतारता थो और साबिरे पाक की चौखट साफ करता था, फिर चूमता था, फिर रास्ते में लेट जाता था। लोग समझते थे ये पागल है, कुछ लोग कहते थे इसकी चवन्नी हटी हुई है, कुछ लोग कहते थे इसकी चूले हटी हुई है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। कुछ लोग कहते थे के इसका रुपया ही गायब है, कुछ लोग कहते थे यार ये तो मेरा मामू है, मामू पूरे कलियर में उसको मामू 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 मामू, पागलों को मामू बोलते थे समझे। आज भी कुछ लोग बोलते हैं मामू, अगर मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं ना तो कह दे जाइए मत, मामू खड़े हैं, चालान कट जाएगा, समझ गए मामू। तवज्जो है ना, मामू उस दौर में अलग थे, अब अलग है, चालान काटने वाले समझ गए होगे। कहा मामू सारे लोग पागल समझ रहे, मगर एक दिन मामू थक गए, मामू लेट गए, ठोकरे लग रही, साबिरे पाक के मजार शरीफ से घरी लाइट निकली और मामू के माथे पे पड़ गई, किस्मत जाग गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मामू को वली बना दिया। लोग समझ रहे मामू है मगर मामू बड़ा काम का मामू हो गया। अल्लाह अल्लाह ख्वाब में आए साबिरे पाक, कहने लगे फुला बस्ती में चले जाओ जहां पर लोग वलियों को थोड़ा छींटा कशी करते हैं, ताना कशी करते हैं, अच्छा नहीं समझते। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहो मामू अपना चिमटा लेकर के पहुंच गए, मामू उस बस्ती में पहुंच गए। लोग जब अपना उस बच्चों के जरिए पत्थर फेंक रहे थे, पत्थर मार रहे थे, मामू बेचारे पत्थर खा रहे, पूरे गांव में लोग नौजवान बच्चे मामू के पीछे रहते, मगर साबिरे पाक ने भेज दिया। मामू ने एक तरफ अपनी झुपड़िया डाल ली, जब डाली तो मामू को चाय की लग गई। काय की लगी बोलो, मामू बोले चलो आज मामू चाय पिए। मामू बोले, मामू ने गिलास लिया और एक औरत के दरवाजे पे पहुंच गए, खट खट, औरत आई निकल के, तवज्जो, कहा मामू क्या बात है। मामू बोले आज मामू चाय पिएंगे, एक गिलास दूध दे दे। मामू क्या बोले, बोले एक गिलास दूध दे दे। जब इतना कहा तो वो औरत झूठ बोल गई, बोली मामू क्या बताऊं, कई दिन से भैंस ठीक नहीं है, खड़ी संभल के नहीं हो रही, और आज तो उसने दूध ही नहीं दिया, और अभी दू करके बाल्टी चूल्हे पर रख के आई है। बोली मामू भैंस ने दूध नहीं दिया, खड़ी नहीं हुई। मामू बोले, मामू ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद देखा, मामू बोले चूल्हे पे जो बाल्टी रखी है वो काहे की है। वो समझ गई ना, हो मामू को किसी ने बता दिया है। बोली मामू मैं अभी देख के आती हूं। सीधी गई चुपके से किबाड़ बंद करके ना, और चुपके से बाल्टी उठा के कुटिया में रखी है, और कुटिया में रखने के बाद अब किबाड़ खोल के बोली मामू जरा इधर आओ, चूल्हे पे देखो तुम्हें किसी ने गलत बता दिया, यहाँ पे बाल्टी नहीं है। मामू ने फिर आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद बोले कुटिया में क्या रखा है। मामू क्या बोले, तुम सोच रहे हो ना यार एक आध मामू मेरे भी हाथ आ जाए। अरे दुआ करो अल्लाह ताला को अल्लाह वाला मिल जाए तो बेड़ा पार। मामू बोले कुटिया में क्या रखा, तो वो औरत समझियो हो मामू की नजर पड़ गई यार, देख लिया। बोली मामू वो तो दूध थोड़ी है, वो तो पानी है, पानी। मामू बोले तो चल पानी है। मामू बोले चल पानी है,
अब मामू ने पानी कह दिया तो हो गया पानी, हो गया पानी। बस बस बहन मेरी ना दूध में आधा पानी मिला के कहती है, कहती है जरा सा कतरा भी नहीं डाला मैंने, बस वो बर्तन धो के ना थोड़ा सा आधी बाल्टी से तेरा बर्तन धुल लिया, धो के बोली बस इतना था, निरा पानी पिला रही है निरा पानी, और कसमें फेंक रही है कच्ची कच्ची झूठी, समझे कि वो ऐसी और वैसी, और बोली बिल्कुल प्योर है और आधा पानी है आधा। तवज्जो, का मामू वो पानी रखा है, तो मामू बोले चल दूध नहीं देगी वो भी पानी है। मामू गिलास लेकर के भैंस की तरफ चले, किधर चले, औरत ने चढ़ा ली आस्तीन, अगर मामू ने भैंस खोल ली ना तो यही छीन लूंगी। औरत कह पागल मामू है भैंस के पास क्या जा रहा, मगर मामू ने भैंस नहीं खोली, भैंस का कान पकड़ के और मुंह लगा के बोले सुन रही है मामू बोल रहे हो मामू, किससे बोले, क्या बोले, तुम अपनी भैंस से बोल के देखियो ऐसी लात मारेगी, चला टेक तरह के वो मामू बोले सुन रही है, वो ना सुन ले, मामू बोले मैं मामू बोल रही हूं मामू, इसने दूध नहीं दिया तू भी इसे दूध मत दिए जब तक मैं ना कह दूं। अल्लाह वालों का पावर तो देखो, वो लोग कैसे हैं यार जो कहते हैं अल्लाह वालों की तरह, कहते ना नबी हमारी तरह, नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, नबी के दो पांव हमारे भी दो पांव, उनसे कहियो नबी ने गोश्त की हांडी में थूक दिया तो इतना बढ़ गया 70-80 सहाबा ने खाया, कहियो अगर तुम नबी की तरह हो ना तुम्हारे यहाँ गोश्त बनता है, एक मरता थूक के दिखाइयो तुम्हारी बीबी इतना मारेगी थूतड़ा संभाल देगी, मार दे झाड़ू पकड़ेगी, कई कमबख्त एक तो 8 दिन में लेके आया तू और ऊपर से थूक के बर्बाद कर दिया तूने, इतनी झाड़ू पकड़े इतनी झाड़ू, कह दे अब तू खा ले खा इसको ठूस इसे ठूस, समझे ऐसे हालात है। बहरहाल मामू कान पकड़ गए, अरे सुन रही है मामू बोल ले मामू दूध मत देना, और ये कह के चली गई, चले गए मामू। वो औरत समझी पता नहीं पागल ही है क्या कह गया, मगर उसे क्या पता था पागल नहीं है, पागल है दीवाना है मगर साबिरे पाक का है, सुभानअल्लाह बोलो अल्लाह वालों का है। और मामू कह के चले गए, जब शाम हुई भैंस दूने बैठी आगे शार पीछे बीवी, और जैसे ही तन को हाथ लगाया भैंस ने लात मारी तोड़ दिया गट्टा, ले ले दूध तोड़ दिया गट्टा, सुन रहे हो मैक वालो, कौन से मैक वाले, अच्छा सभी है पूरे, तो बहुत बड़ा कारोबार तुमने संभाला इतने लोगों ने, तवज्जो बुरा मत मानियो, मैं कई मर्तबा आ चुका हूं तो कई देता हूं, अल्लाह अल्लाह तोड़ दिया गट्टा, अब रो रही है शौहर बोला और नाखून मार दे भैंस को, तूने नाखून मार के बर्बाद कर दिया, अच्छा हुआ तेरा गट्टा अल्लाह मैं दू, बोली तुम दू लो, जैसे ही पानी लगा के और बैठा है और जब भैंस ने मारी सीने पे, सीना निकाल के बैठे ला मैं दू, और मारी सीने पे पीछे जाके गिरा, बोले ओ हो भैंस को नजर लग गई भाई, बोले ओ हो भैंस को नजर लग गई, का भैंस को नजर लग गई, अब वो चक्कर में कभी मिर्चों से टूट रही है कभी कपड़े से कभी काई से कभी काई से, लेकिन भैंस दूध नहीं दे रही है। उस दौर का एक पंडित 700 रुपए लेता था, कहता था कैसी नजारो कैसे जादू कैसे टोना सिफली अलवी आबी खाकी बादी, कोई सा भी जादू मैं तोड़ के रख देता हूँ। उसको बुलाया बोला मैं पत्थर की भैंस से दूध दिलवा लू, मगर उसके उसे क्या पता था साबिर पाक के दरबार का मामू मना कर गया, बेटा तुम्हारी नहीं चलेगी। आया उसने कंकर लिए पड़ा मंत्र मारा भैंस ने दूध नहीं दिए, फिर चौकी पड़ी मारा भैंस ने दूध नहीं दिए, जादू पड़ा मारा भैंस ने दूध, अजीब मारते मारते उसको फूंकते फूंकते थक गया मगर भैंस ने दूध नहीं दिया।
उसने कहा ये बताओ आया कौन था तुम्हारे घर? का आता कौन, एक पागल है, मामू है, चूल्हे हटी हुई उसकी, उसकी चवन्नी गायब, अठन्नी गायब, रुपया गायब, समझे दीवाना पागल है। तो वो बोला पंडित तुम सब पागल हो। वो पागल नहीं है, दीवाना नहीं, अल्लाह का वली है वो। पंडित कहने लगा अल्लाह का वली है वो, वली अगर जादू होता नजर होती मैंने काट दिया होता, मुझे लेकर के चलाओ। मामू मुंह घुमा के बैठ गए, बोले पंडित जी आ रहे हैं कलमा पढ़ ले। मामू क्या बोले, जो मामू के पास में थे ना मसा लेने वाले दो एक थे, बोले मुंह घुमा लू पंडित जी आ रहे हैं कलमा पढ़ ले। पंडित आया, उसने कंकरी उठाई, मंत्र पढ़ा और मामू के मारा, मामू ने ऐसे झाड़ दिया, दोबारा पढ़ा फिर झाड़ दिया। मामू बोले मारता काय को, सामने आगे कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, जब चेहरा देखा तो पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। पंडित जी तुम तो बड़े ऊंचे थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो बोले क्या बताऊं, जब वली का ये आलम है तो फिर नबी का आलम क्या होगा। और शायर क्या बोला, आसरा आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग मेरे साथ पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ोगे ना? आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पर लिखा देखा, जब भी तो लजाएगा कायनात आलम में सबसे भारी निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पंडित ने कलमा पढ़ लिया, सारे लोगों ने तौबा कर ली। जब सब लोगों ने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद अल्लाह बरकतें फरमा